Hello everyone. Today we will solve from question number 11 of exercise 3B class 10th RS Agrawal Math. हम class 10th की RS Agrawal Math की book को solve कर रहे हैं. इससे पहले chapter 2 और 3A और 3B के question 10 complete हो चुके हैं. उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे discussion box में मिल जाएगा. अगर इससे पहले आपको किसी भी question doubt है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं. टॉपिक आपका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. हम एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हम समझा चुके हैं. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन 11 इज 2x प्लस 5y इज इक्वल 8/3. फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है और सेकेंड दे रखिए 3x माइनस 2y इक्वल टू 5/6. चलिए करते हैं एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें. तो फर्स्ट इक्वेशन थी 2x प्लस 5y इज इक्वल 8/3. 3/3 है, इसका क्रॉस मल्टीपल कर दो, है ना, या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3, कुछ भी ले सकते हैं आप. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3, वी गेट 3 का 2 में करा 6x, 3 5 15 5, वाई सॉरी, और 3 से 3 कैंसिल, तो 8. तो ये इक्वेशन फर्स्ट ही हो गई. सेकंड इक्वेशन थी हमारी, ये दे रखी है, लिख रहा हूं मैं, 3x माइनस 2y इज इक्वल 5/6. तो इस 6 का मल्टीपल कर दो बोथ साइड्स, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6. वी गेट 6 का 3 में करा 6 3 18x, 6 2 12y, 6 का 12y, और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल 5. तो ये हमारी इक्वेशन आ गई सेकंड. अब एलिमिनेशन मेथड में क्या है, या तो x का कोफिशियंट या y का कोफिशियंट सेम करना होगा. फर्स्ट में x का कोफिशियंट है 6 और सेकंड में 18. y का देखिए 15y है या 12, किसी का सेम नहीं है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं 6 है. अगर हम इसमें 3 का मल्टीपल कर दें तो 6 3 18 इक्वल हो जाएगा. तो हम ये करेंगे, अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 वाई 3, वही हम लिख लेंगे. मल्टीप्लाइंग 1 वाई 3, वी गेट फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 18x, 3 का 15 में करेंगे तो 15 3 45 होते हैं, तो प्लस 45 बाई, और 3 का 8 में करेंगे 3 8 24. इसको एक नई इक्वेशन डाल दो, इक्वेशन नंबर 3. दो थी, तीसरी आ गई. अब देखो सेकंड में 18x प्लस का है, थर्ड में भी 18x प्लस का है. जब दोनों के कोफिशियंट सेम हो और साइन भी सेम हो तो क्या करते हैं, एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से सेपरेट करते हैं. किस में से किसको सेपरेट करें उससे कोई फर्क नहीं, चाहे आप सेकंड से थर्ड कर दें, थर्ड से सेकंड, है ना. तो मैं क्या करने वाला हूँ, सेकंड से थर्ड ही कर दे रहा हूँ. तो सब्ट्रैक्टिंग, शॉर्ट में ऐसी भी लिख दिया ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3rd फ्रॉम इक्वेशन 2nd, वी गेट क्या हुआ, एक्स 18x से कैंसिल हो गया, माइनस 12y. जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है, ये माइनस 45 हो जाएगा. तो माइनस 45 और माइनस 12 कितने हो गए, माइनस के 57y. ओके, अब 5 में से 24 सब्ट्रैक्ट करना है, ये प्लस के 5 है, माइनस 24 हो जाएंगे, तो कितने बचे, माइनस के 19 और 5 24 होते हैं. तो y की वैल्यू हो गई माइनस 19/-17. तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस में प्लस, या 19 से कैंसिल हो गया, 19 बन जाए 19 3 जा. तो एक आंसर हमारा फाइंड हो गया, वैल्यू ऑफ y इज 1/3. ओके, अब क्या करें, इस y की वैल्यू को, हमारे पास 3 3 इक्वेशन है, एक फर्स्ट, एक सेकंड, एक थर्ड, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो मैं फर्स्ट में ही पुट कर देता हूं, है ना. तो पुटिंग y इज इक्वल 1/1 इन इक्वेशन 1, वी गेट इक्वेशन 1 थी 6x, तो लिख दिया 6x प्लस 15y, तो 15 × y, और y की वैल्यू कितनी है 1/3, इक्वल में दे रखा है 8. क्लियर. तो 3 से ये 15, 5 बार कैंसिल, 3 5 15, तो ये कितना हो गया 6x इज इक्वल 8, और इस प्लस 5 को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो माइनस के 5. तो 6x इक्वल टू
8 में से 5 सेपरेट करा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 अपॉन 6, यानी कि 3 बन जा 3 टू जा, x की वैल्यू आ गई 1/2। तो हमारा मिल गया आंसर, क्या हुआ, x इज इक्वल 1/2 और y की वैल्यू क्या निकल के आई थी हमारी, ये रही 1/3। तो ये सॉल्यूशन हो गया, x 1/2 एंड y 1/3। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन 12 दे रखा है हमें, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमें इधर रखी है 7 माइनस 4x अपॉन 3 इज इक्वल y। तो अभी क्या करेंगे, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 का मल्टीपल करते हैं, क्रॉस मल्टीपल जिसे बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4x इज इक्वल 3y। अब 3y को बदलना है, तो -4x पहले लिख लेना x वाले टर्म को, तो -4x, 3y को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले, तो माइनस के 3y हो गया और प्लस 7 यहां लिख दिया, तो इक्वल में आ गया 0। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 7। अब फर्स्ट सेकंड देखें, थोड़ी इजी हो गई, इजी क्यों होगी, हमें यहां y का कोएफिशिएंट सेम मिल गया, तो किसी का मल्टीपल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधा हम ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे, ये प्लस 3y है, ये -3y है ना, तो फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बी गेट, ऐड करो 2x और माइनस के 4x प्लस करेंगे, तो 2 प्लस -4x, तो 2 में से 4 गया तो माइनस के 2x बचे, -2x हो गया। 3y -3y कैंसिल, और 1 प्लस 7 कितना हो गया, प्लस के 8 इक्वल 0। तो -2x इक्वल टू कितना होगा, 8 को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई -8 अपॉन -2, -2 से -8 4 टाइम्स कैंसिल, तो x इक्वल टू 4, तो वैल्यू ऑफ x इज 4। अब y के लिए क्या करें, x की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दे रहा हूं, तो पुटिंग x इक्वल टू कितना आएगा, 4, तो वह हम लिख देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल 4 इन इक्वेशन 1, वी गेट 2x यानी कि 2 इंटू x, x वैल्यू 4 है, प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 इंटू 4 कितना होता है, 8 प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 0, तो 3y इक्वल टू -9, जब प्लस 9 को लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर करने साइन चेंज हो जाएगा, और 3 से 9 3 बार कैंसिल, तो -3। तो आंसर क्या हो गया हमारा, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -3। तो आंसर हमारा ये आ गया, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल -3। तो ये क्वेश्चन 12 भी आपका कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13 इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है हमें, 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल 1.7, ये इक्वेशन 1। एंड सेकंड इक्वेशन इज 0.7x माइनस 0.2y इक्वल 0.8। अब ये सवाल हम दो तरीके से कर सकते हैं, मैं वीडियो में एक ही तरीके से कर रहा हूं, जिनको डेसिमल से डर लगता हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से कर दूं, ओरल में आपको समझा देता हूं क्या करें अगर डेसिमल से डर लगता है, तब की बात चल रही है। तो आप इस इक्वेशन फर्स्ट में और सेकंड दोनों में बोथ साइड 10 से मल्टीपल कर दो, जब 10 से मल्टीपल करोगे तो हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 17, ये हो जाएगा 7x प्लस 2y इक्वल टू 8, और फिर इक्वल कर सकते हो। फिलहाल मैं बिना मल्टीपल करे सॉल्व कर रहा हूं, क्या करूंगा, कोएफिशिएंट सेम करूंगा। कैसे, देखो y का कोएफिशिएंट 0.3 है, यहां 0.2, तो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीपल कर दूं तो 0.6 हो जाएगा, और इसमें 3 से कर दूं 0.6 हो जाएगा, दोनों सेम हो गए, सॉल्व हो जाएगा। तो ये करने वाला हूं मैं बिना कुछ चेंज करे। तो अगर आपको इसमें मल्टीपल करके करवाना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इस क्वेश्चन की वीडियो अलग से बना के अपलोड कर दूंगा। तो छोटी सी लैंग्वेज लिख लें, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट वाई 2 एंड सेकंड इक्वेशन वाई 3, वी गेट फर्स्ट में 2 से कर रहे हैं तो 2 4 8, तो क्या हो जाएगा ये 0.8x, 2 का 3 में करा 2 3 6, और पॉइंट आ जाएगा डेसिमल एक की बात है तो 0.6, और 2 का इसमें करेंगे तो 72 या 34, एक प्लेस के बाद डेसिमल। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इसमें कर रहे हैं सेकंड में किससे, 3 से, है ना, एंड सेकंड बाई
लिख रहा है सेकंड बाई थ्री, थ्री का करो, थ्री सेवन या 21, 21 का मतलब 2.1x, 32 या 6, ओ सॉरी ये माइनस है, मैंने प्लस गलती से लगा दी, माइनस सीखे तो ये माइनस ही पढ़ना नहीं, प्लस कर लूँ मैं, थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ, माइनस 32 या 6 तो 0.6y और 38 या 24 यानी कि 2.4, और ये होगी इक्वेशन 4। हमने देखा वाई का कोफिशियंट सेम है, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट 2.1 प्लस 0.8, तो कितना हो गया 2.9, तो ये हो गया 2.9x, ये कैंसिल हो गए प्लस के 0.65 और माइनस के 0.65, तो इक्वल क्या हो गया ये 3.4 प्लस 2.4 क्या हुआ 4.48 और 3 और 2 5.8, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5.8 अपॉन 2.9, डेसिमल से डेसिमल 29 2 जा, तो यहां लिख दे रहा हूं छोटा सा, x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू 2 को क्या करेंगे, हम फर्स्ट में पुट कर दें तो y निकल आएगा। ओके चलिए करते हैं इसे, तो लिखो पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट इक्वेशन 1 थी आपकी 0.4x, 0.4x x की वैल्यू 2 थी, प्लस 0.3y इक्वल में था 1.7, लिख लिया मैंने 4 2 8, तो ये हो गया 0.8 प्लस 0.3y इज इक्वल 1.7, तो 0.3y इज इक्वल 1.7 माइनस 0.8, तो 0.3y की वैल्यू हो गई, बोर लिया 17 में से 8 गए तो क्या हो गया 0.9, तो y इज इक्वल 0.9 अपॉन 0.3, पॉइंट से पॉइंट रिमूव और 3 3 9, तो y की वैल्यू हमारी आ गई थी। ठीक है, तो बस हो गया आंसर, क्या आ गया इसका, x इज इक्वल टू एंड y इक्वल टू 3। ओके तो क्वेश्चन 14 है 0.3x प्लस 0.5y इज इक्वल 0.5, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड थी 0.5x प्लस 0.7y इज इक्वल 0.7। ओके क्या करें, x का कोफिशियंट क्या है 0.3 और यहाँ क्या है 0.5, तो अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 3 से, तो इसका कोफिशियंट क्या हो जाएगा 1.5, इसका भी 1.5 सेम हो जाएगा, है ना, तो वही करने वाले हैं, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट y 5 एंड सेकंड इक्वेशन y 3, वी गेट 5 का करें 5 3 15 और एक प्लेस के बाद डेसिमल तो जाएगा 1.5x, 5 5 25 वन प्लेस के बाद डेसिमल तो 2.5y, 5 5 25 और वन प्लेस के बाद डेसिमल तो 2.5, तो ये एक इक्वेशन नहीं आ गई, इसको नाम दे दिया हमने थर्ड, और सेकंड में कर रहे हैं 3 का, तो 3 का 3 5 15 और एक प्लेस का डेसिमल तो 1.5, 3 7 21 एक प्लेस का डेसिमल 2.1y, 3 का इसमें कर रहे हैं 3 4 12 कैरी 1, 3 7 21 और 1 22 तो 22.2, तो ये हो गई इक्वेशन 4। ओके अब क्या करें, थर्ड में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, बी गेट करो 1.5x से 1.5x कैंसिल, 2.5 में से 2.1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 0.4, और 2.5 में से 22.2 सब्ट्रैक्ट करो तो 2 में से 5, 12 में से 5 गया 7 और यहां बोरो चला गया 19.7 हो गया, सही करा है गलत करा है, तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी ऊटपटांग संख्या ये 19.7 अपॉन 0.4, डेसिमल से डेसिमल रिमूव कर दें तो y आ गया 197 अपॉन 4, चेक करना पड़ेगा ऐसी, हो सकता है ऐसा नहीं आंसर नहीं है ना, बड़ा ऊटपटांग लग रहा है, मैं जरा आंसर चेक करूँ इसका, क्वेश्चन नंबर 14 है, पीछे दे रखा है y इक्वल टू 0.7,
0.7 का मतलब तो कहीं दूर दूर तक नहीं मिल रही है ना, और एक्स कितना आ रहा है एक बार चेक करें, क्या मिस्टेक है इसमें। हमने करा था 5 का मल्टीपल, 5 3 15 1.5 होगा, 0.25 होगा, 0.25 होगा, इसमें करा 3 का तो 1.5 होगा, 3 7 21 2.1, इसे चेक कर लूँ, 3 4 12 कैरी 1, 3 7 21 2.20। ओके ओके भाई, तो कहीं मिस्टेक लगी नहीं, सबट्रैक्ट करा तो 2.5 में से 2.1 तो 0.4 लिखा है ना, 0.4 लिखा है, और सबट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक तो पहली बात तो ये माइनस में आएगा, प्लस में नहीं आएगा, मैंने थोड़ा ये तो मिस्टेक करी है, 2.5 में से 22.9 सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आएगा, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस। 12 में से 5 गई 7, हाँ यहाँ क्या रहेगा, 20 में से 2 गई 19, ठीक है, डेसिमल से इतना ही आएगा आंसर, तो गड़बड़ लग रहा है। चलिए पहले एक्स की वैल्यू निकाल लें, फिर आंसर भी चेक कर लेंगे। अब पुट वाई, ओहो ऊट पटांग हो गया, वाई की वैल्यू को हम किस में पुट करें, फर्स्ट में ही कर दे रहे हैं, है ना। पुटिंग वाई इक्वल टू माइनस 197/4 इन फर्स्ट, वी गेट फर्स्ट है 0.3x, तो 0.3x प्लस 0.5 इंटू वाई, और वाई की वैल्यू है 197/4 और इक्वल में दे रखा है 0.5, ठीक है। तो ये मेरा पेपर हो गया, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये था ना 0.3x प्लस 0.5 इंटू 197/4 इक्वल टू 0.5, तो सॉल्व करता हूँ इसको आगे, तो ये हो गया 0.3x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 0.5 का मल्टीपल पॉइंट हटा के नीचे जीरो डाल लेते हैं, 0.5 था तो देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ, 0.5 लिख दे रहा हूँ इंटू 197/4 लिख दिया मैंने, और 0.5 ये जानते हो, डेसिमल रिमूव करो यहाँ जीरो बढ़ा लो, बल्कि एक तरीका था डेसिमल तो यहाँ आ ही रहा था, 10 से मल्टीपल कर देता है यहाँ, वो ज़्यादा सही रहता है ना। हाँ इसको ऐसे रहने दो 0.5/4। अब क्या करूँ, क्योंकि तीनों हमें वाई की वैल्यू निकालनी, वाई एक्स की, तो क्या करूँ बोथ साइड 10 से मल्टीपल कर दूँ, मल्टीप्लाइंग बाई 10, और आप ऐसे करना चाहे ऐसे कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग वाई 10, तो 10 का करा तो ये हो गया 3x, और इसमें 10 से करा तो 0.5 इंटू 10 5 हो जाएगा, तो 5 इंटू 197/4 और 10 का मल्टीपल करने से 5 हो जाएगा, तो ये 3x की वैल्यू आ गई, 5 माइनस इसको दे प्लस हो जाएगा, और 5 का मल्टीपल करेंगे है ना, यहाँ करके लिख दे रहा हूँ, 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 9 जा 45, 45 और 3 48 का 8 कैरी 4, 5 1 जा 5 4 9 अपॉन 4, तो 3x की वैल्यू क्या हुई, 4 LCM 4 5 जा 20 प्लस 985/4, तो x इक्वल टू कितना होगा, 3 नीचे आएगा तो 4 इंटू 3, और इसको ऐड करें 0 प्लस 5 5 8 टू 10 कैरी 1, तो x की वैल्यू आ गई 1005/12। अब जरा मैं आंसर चेक करूं, उन्होंने जो आंसर दे रखा है बहुत ही उटपटांग, हमारा उटपटांग आया है ना, तो यहाँ या तो मिस्टेक हमने चेक तो कर ली मिली नहीं, तो या क्वेश्चन में मिस्टेक होगी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ जरा छोटा सा। आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है एक्स की वैल्यू 0.5 और वाई की वैल्यू 0.7, एक्स की वैल्यू 0.5 और वाई की वैल्यू 0.7 14 कहता है। हाँ अब मैं जरा आंसर चेक करके देखता हूँ, आंसर कैसे चेक करेंगे, यहाँ देखो हमें जो एक्स की वैल्यू जो आंसर दे रखा, बुक का आंसर बता रहा हूँ मैं, 0.5 और वाई की वैल्यू दे रखी है 0.7। अब जरा इक्वेशन फर्स्ट देखें, हमें क्या दे रखी थी 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में जो इक्वेशन फर्स्ट थी वो मैं लिख रहा हूँ, 0.3x प्लस 0.5y इज इक्वल 0.5, ये तो फर्स्ट थी, और सेकंड दे रखी थी 0.5x प्लस 0.7y 0. ये हो सकता है यहाँ मिस्टेक हो गई, या खाली 0.7 हो, ये मिस्टेक हो गया, चेक करते हैं। तो सेकंड में चेक करें, x की वैल्यू 0.5 लगाओ, तो 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.7 इंटू 0.7, तो ये हो गया 0.25 और 7 7 जा 0.49, 9 और 5 14 कैरी 4 2 6 7, भाई सही है आंसर, तो सही आ रहा है, फर्स्ट में पुट करके देख ले रहे हैं, 0.3 इंटू 0.5
1.5 हो गया, नहीं नहीं सॉरी सॉरी 0.5 हुआ, सॉरी 5 3 15 0.15, और इसमें करा 7 का तो 0.35, ऐड करा तो 0.50, सेटिस्फाई तो कर रहा है। हमारा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम भी तो देख लें अपना, क्योंकि ये तो बड़ा यूट पटंग आया है हमारा। यहाँ लिख देते चलो, एक्स की वैल्यू आई है हमारी 1005/12। फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं, ठीक है ना, 0.3 × 1005/12 प्लस 0.5 बाई, तो 0.5 × y, और y की वैल्यू हमारी आई थी -197/4। चलिए करते हैं, डेसिमल रिमूव करके जीरो बढ़ेगा, यहाँ भी डेसिमल रिमूव करके जीरो डालिए फिलहाल तो, और 3 से कैंसिल हो गया 40 टाइम्स, तो ये हो गया 1005/40 प्लस माइनस माइनस अपॉन में 40 है, और 5 का मल्टीपल कर दे रहे ना, तो 5 7 = 35 कैरी 3, हाँ 5 9 = 45 3 48, 5 1 = 5 और ओके क्लियर, तो 40 एलसीएम आ गया, तो 1005 - 985 ओके ठीक है, कितना हुआ 20 बचा, 20/40 2/4 का मतलब 0.5 हो गया, तो हमारा आंसर भी सही हुई 0.5 ही आ रहा, और इक्वेशन में 0.5 ही था ओके सही है, तो हमारे ये आंसर सही, हमने चेक कर लिए, तो y की वैल्यू -197/4 और x की वैल्यू हमने निकाली थी वो आपके सामने दे रही 1005/12। तो आज के वीडियो में 4 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, आपको 14 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हुए आज के वीडियो में, 11, 12, 13, 14, मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आप किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस क्वेश्चन को किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।